नमस्कार दोस्तों, एजी पर इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस अंक में हम पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत का भाग दो। और इसकी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, और अगर आपने ना देखा हो तो इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दिया हुआ है। आप वीडियो को पूरा देखें और उसके अंत में जब लिंक मिलेगा तो वहां पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप नए व्यूवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल बटन बनता है उसको ज़रूर पुश करें, और वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक करें। क्यों? क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो सेव हो जाती है आपके चैनल में और आप उसे कभी भी देख सकते हैं। ओके, तो लाइक ज़रूर कर लें ताकि आपको सर्च ना करना पड़े। अगर आप सर्च करेंगे तो क्या होगा, सर्च करने से होता यह है कि आपको वीडियो शायद मिले ना मिले फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप लाइक कर लेंगे तो ये चैनल में आपके सेव हो जाएगी और आप इसे कभी भी देख सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों में अंतर, कि एक अच्छे ऊर्जा के स्रोत के क्या गुण होते हैं, और इसके साथ ही जो है ईंधन यानी जीवाश्म ईंधन के बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। आइए अब हम शुरू करेंगे आज ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। यानी ऊर्जा के जो हमारे पास पारंपरिक स्रोत थे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है यहाँ तक, ठीक है, जल विद्युत संयंत्र तक, उससे आगे आज हम शुरू करने वाले हैं। और इसमें हम क्या देखते हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ओके, कि जो हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं बहुत पहले से, उसको हम और कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए हम नए नए तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो जैव मात्रा, बायोमास, जिसे हम गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं, ठीक है, तो कृषि एवं जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि, तो ये क्या है, बायोमास, इसे हम बायोमास कहते हैं, यानी कि जीवित वस्तुओं के अवशेष हैं ये। उसके बाद लकड़ी जैव मात्रा का एक ऐसा रूप है जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसका लाभ यह है कि ये कुछ समय बाद दोबारा से प्राप्त की जा सकती है। अब लकड़ी जलाने की हानियाँ भी हैं, और वो हानियाँ क्या हैं कि लकड़ी के जलने पर बहुत अधिक मात्रा में धुआं निकलता है जिससे प्रदूषण फैलता है, और अधिक उष्मा इससे तो नहीं निकलती, इससे जो है धुआँ ज़्यादा और उष्मा कम निकलती है। तो अतः उपकरणों की तकनीकी में सुधार करके परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है, जैसे लकड़ी से चारकोल बनाना। चारकोल का मतलब होता है दोस्तों कोयला बनाना, लेकिन किसका, लकड़ी का। जब हम लकड़ी का कोयला बनाते हैं तो ऐसे कोयले को हम चारकोल कहते हैं। अब चारकोल कैसे बनता है, तो यहाँ पे इसका प्रोसेस जो है अच्छी तरह से समझाया गया है कि चारकोल लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। यानी लकड़ी O2 की सीमित मात्रा, यानी ऑक्सीजन गैस की हम सीमित मात्रा देते हैं, और तो वो किस में बदल जाता है, चारकोल में। अब चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन क्यों है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और बिना ज्वाला के जलता है और उसमें अधिक देता है। आइए इनके विस्तार से जान लेते हैं। इनके बिना ज्वाला के जलता है, यानी इसके जो गुण हैं कि ये बिना ज्वाला के जलता है, अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है, और उष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे ही अब गोबर के उपले भी होते हैं, ठीक है, जिससे हम परंपरागत रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो जैव मात्रा का एक रूप परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानियां हैं। अब देखिए उपले की क्या क्या हानियां हैं, तो इसमें भी लकड़ी की तरह बहुत अधिक धुआं निकलता है जिससे प्रदूषण फैलता है। पूरी तरह दहन न होने के कारण राख का बनना, यानी कि राख बनती है इसमें, अब बहुत ज़्यादा बनती है, परंतु तकनीकी सहायता से गोबर का उपयोग गोबर गैस संयंत्र में होने पर वह एक सस्ता वे उत्तम ईंधन बन जाता है। यानी इसका ये सुझाव बताया गया है कि किस प्रकार से हम इसको अच्छा कर सकते हैं, प्रदूषण को घटा सकते हैं और अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं बायोगैस की। बायोगैस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। बायोगैस यानी इसे हम गोबर गैस भी कहते हैं। गोबर फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। अपघटन के फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं। जैव गैस को संपाचित के ऊपर
बनी टंकी से संचित किया जाता है जिसे पाइपों द्वारा उपयोग के लिए निकाला जाता है। इसको बनाने की जो विधि है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप डायग्राम देख लें, डायग्राम आप समझ लेंगे तो ये बेहतर होगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि ये जो पार्ट है, यहाँ पर देखिए कर्दम लिखा हुआ है, यहाँ पर जहाँ मैं टच कर रहा हूँ कर्दम, ये वो पार्ट है जहाँ पर गोबर का, यानी जो गोबर है उसके लिक्विड रूप में, यानी उसमें पानी मिला के उसको लिक्विड रूप में उसकी सलरी बनाई जाती है, ठीक है। यानी उसमें पानी मिलाकर उसको बारीक करते हैं और उसको सलरी कहते हैं। उस सलरी को इस टैंक में, ठीक है, भरा जाता है और उसके बाद ये 2 से 5 दिन तक छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है ये अंदर जो जितना भी ये मटेरियल है यहाँ पर डिकम्पोज होता है। जहाँ ये लिखा है ना गैस टंकी, इतनी जगह खाली होती है और जो भी गैस बनती है वो यहाँ पर स्टोर हो जाती है और फिर उसी गैस का उपयोग हम खाना बनाने के लिए LPG की तरह कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से जो गैस होती है वो होती है मीथेन, लगभग 75% गैस इसमें मीथेन निकलती है, तो मीथेन इसका मुख्य अवयव हो गया, ओके। तो ये है गोबर गैस प्लांट और इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टर। ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टर, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके कई फायदे हैं। एक तो हमें गैस प्राप्त हो जाती है और इस गैस के साथ साथ हम इसे एक बल्ब भी जला सकते हैं अपने किचन में, यानी कि रसोई घर में। और जब ये गैस पूरी इस्तेमाल हो जाती है तो ये जो सलरी, यानी कि ये जो बचा हुआ डाइजेस्टर में जो वेस्ट मटेरियल बचा है ये गोबर, अब ये बहुत ही अच्छी खाद बन जाती है जिसे हम ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक खाद कहते हैं। और इससे खेतों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है जिससे खेत उपजाऊ होने में बहुत ही मदद मिलती है और उसकी गुणवत्ता सुधर जाती है। गुणवत्ता का मतलब है कि पानी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आई होप कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि अब इसके क्या क्या लाभ हैं। तो बायोगैस के लाभ, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है, धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है ये, और जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी की भांति राख जैसा अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचाती बल्कि इसमें जो है खाद बन जाती है। तापन क्षमता का उच्च होना, यानी कि इसमें जो गैस बनती है उससे अधिक मात्रा में तापमान उत्पन्न होता है। बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है। जैसे मैंने बताया आपको अभी कि बायोगैस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक बल्ब जलाने के लिए भी, बीच में अगर हम एक डायनमो लगा दें जिस पाइप से गैस पास हो रही है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गैस, यहाँ पर जो है यहाँ पर पाइप से गैस पाइप पास हो रही है, तो यहाँ पर आप बीच में जैसे साइकिल में लगाते हैं गाँव में एक लाइट जलाने के लिए कि पहिया घूमता है तो लाइट जलती है आगे की, ठीक वैसे यहाँ पे भी वो घूमेगा लेकिन पहिए से नहीं बल्कि गैस के प्रेशर से, और उससे बल्ब आराम से जल सकता है, ओके। तो आइए अब आगे बात करते हैं। बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है, जो मैंने आपको समझाया। संयंत्र में शेष बची सलरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं जो कि उत्तम खाद के काम आती है, ठीक है। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है जिसे सलरी कहते हैं हम, वो बहुत ही अच्छी खाद के रूप में प्रयोग हो जाती है, और देखिए उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भी है, इससे जो है इसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है इसमें जो बचता है वो खेतों में इस्तेमाल हो जाता है तो सुरक्षित है, ठीक है। उपाय जो है, कहने का मतलब यही है कि अपशिष्ट पदार्थ जो इसमें निकलता है उससे कोई नुकसान नहीं होता बल्कि उसका फायदा होता है। बाकी जितने भी ईंधन हैं उसमें लगभग जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उससे कुछ ना कुछ मात्रा, कुछ क्या, बहुत अधिक मात्रा में नुकसान ही होता है। अगर आप गैस जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और अगर आप जो लकड़ी जलाएंगे तो वेस्ट मटेरियल होगा, उपला जलाएंगे तो वेस्ट मटेरियल निकलेगा, इसके साथ ही आप कुछ और भी जलाते हैं तो उसमें वेस्ट मटेरियल निकलेगा। लेकिन इसमें एक तो आपका धुआं उत्पन्न नहीं होता है, दूसरा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो खाद के रूप में, बहुत ही अच्छी खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पवन ऊर्जा। अब पवन ऊर्जा क्या है तो आप सभी जानते हैं और आसपास देखते भी हैं कि हवा चलती है, तो सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों में असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है। देखिए दोस्तों, वायु और पवन दो अलग चीज़ हैं। वायु हमारे चारों तरफ उपस्थित है और जब यही वायु बहने लग जाए तो उसको हम पवन कहते हैं, ओके। जब वायु बहने लग जाए तो उसे हम पवन कहते हैं। और पवनें क्यों बनती हैं, कहीं गर्म कहीं ठंड की वजह से जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है तो उसका स्थान खाली हो जाता है और उस स्थान को
ठंडी हवा भर देती है, तो जब वो उस तरफ जाती है भरने, तो हवा चलती है, पवने चलती हैं, ठीक है। तो पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है, यानी पवन चक्कियाँ बना दी जाती हैं जो पवन की गति का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। जल को कुओं से खींचने में इसका उपयोग होता है, अनाज चक्कियों के चलाने में, टरबाइन को घुमाने में जिससे जनित्र द्वारा वैद्युत, जनित्र का मतलब होता है जनरेटर, टरबाइन को घुमाने में जिससे जनरेटर द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसका उपयोग जलों को कुओं से पानी खींचने में, अनाज की चक्कियां चलाने में और बिजली उत्पन्न करने में, यानी कि विद्युत उत्पन्न करने में होता है। परंतु एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पादन होता है, इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ स्थापित किया जाता है और यह स्थान पवन ऊर्जा फार्म कहलाता है। दोस्तों, जब हम पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो इसके लिए कुछ कंडीशन होती है। जैसा कि यहाँ पे आप सामने आप देख सकते हैं कि पवन चक्की चलाने हेतु कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए, यानी कि चाल होनी चाहिए हवा की। अगर 15 किलोमीटर मिनिमम, कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल नहीं है तो पवन ऊर्जा नहीं बन पाएगी। तो 15 से 20 किलोमीटर कम से कम होनी चाहिए। अब पवन ऊर्जा के लाभ क्या क्या हैं? तो पर्यावरण हितैषी है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, यानी जो आप पैसा लगाते हैं, वो भी एक ही बार लगाना पड़ता है। और नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होगी, हवा चलती रहेगी और ऊर्जा बनती रहेगी। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत ना होना, यानी कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसमें लागत एक ही बार लगती है, उसके बाद आपको बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं लगाना पड़ता, बस मेंटेनेंस देखना पड़ता है। आइए बात कर लेते हैं पवन ऊर्जा की सीमाओं की। सीमाओं का मतलब होता है दोस्तों क्या? सीमाओं का मतलब होता है कमियाँ। तो क्या क्या कमियाँ हैं? तो पवन ऊर्जा फार्म के लिए अत्यधिक भूमि की आवश्यकता होती है। लगातार 15 से 20 किलोमीटर घंटा पवन गति की आपूर्ति होना बहुत ही जरूरी है, जो कि हर जगह संभव नहीं है। अत्यधिक प्रारंभिक लागत, यानी शुरू शुरू में इसमें बहुत पैसे लगते हैं। और पवन चक्की के ब्लेड्स की प्रबंधन लागत अधिक होना, यानी जो पवन चक्की है उसकी जो ब्लेड्स की लागत है वो भी बहुत अधिक है। आइए अब कुछ इंटरेस्टिंग बातों पर विचार कर लेते हैं पवन ऊर्जा के बारे में, भारत में भी और विदेशों में भी। कि डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, ठीक है, यानी जो डेनमार्क देश है वहाँ पर पवनों का देश इसलिए उसे कहते हैं क्योंकि वहाँ पवन चक्कियाँ बहुत बड़ी मात्रा में लगी हैं। और भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान है, यानी भारत में भी तमिलनाडु में मुख्य रूप से पवन ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है, जो 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। ये कोई कम ऊर्जा नहीं है, बहुत अधिक मात्रा में विद्युत उत्पन्न की जा रही है। तो इसलिए भारत का जो स्थान है विद्युत उत्पादन में पवन ऊर्जा के द्वारा, वो 5वां है पूरे विश्व में। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कवर करेंगे, क्योंकि ये जितना भी आपने पढ़ा है वो था पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत और उन्हें कैसे उत्पन्न किया जाता है, उनकी क्या लाभ थे और क्या क्या हानियाँ थी, ये सब था पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के बारे में। अब हम जो अगली वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत या फिर वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।